तो सैटर्न के दो स्पेशल एस्पेक्ट है, थर्ड एंड टेंथ। अब देखिए क्या है ना कि सैटर्न एक मेलिफिक प्लैनेट है। सैटर्न की दृष्टि जो है ऐसे तो बदनाम है कि सैटर्न अगर किसी हाउस में बैठा है तो उसकी दृष्टियां जो हैं वो बहुत डेंजरस हैं। ये आपने अगर सुना हो कि नहीं सुना है पहले, आई डोंट नो, सुना है आप लोगों ने कि सैटर्न की दृष्टि से घबराते हैं लोग। शनि की दृष्टि जो है वो ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा मलिफिक है, ज़्यादा सैटर्न से भी ज़्यादा, कई लोग बोलते हैं कि सैटर्न से भी ज़्यादा उसकी दृष्टि जो है वो मलिफिक है। अब देखिए क्या होता है, जब अब थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ करेज, राइट। सैटर्न की दृष्टि जहाँ सैटर्न है उससे थर्ड हाउस पे सैटर्न की दृष्टि आती है, उस भाव को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन नेचुरली, नोइंगली अननोइंगली, नेटिव जो है वो उस घर के लिए करेज दिखाता रहता है, करेज दिखाता रहता है, और उसको मालूम नहीं है, वो डिलिबरेटली नहीं कर रहा है ये काम, लेकिन वो नेचुरली ऐसे बिहेव करता है कि उस पर्टिकुलर घर की चीज़ें जो हैं वो अच्छी है। जैसे देखिए आप कि फिफ्थ हाउस में किसी के सैटर्न है, थर्ड दृष्टि सेवन्थ हाउस पे आई, सैटर्न डिस्ट्रॉय कर दिया वो हाउस। लेकिन आदमी ना आपको जब भी मिलेगा कभी अपने रिलेशनशिप की बुराई करता नहीं मिलेगा। हो सकता है बातों बातों के बीच में वो तारीफ ही कर दे अपने रिलेशनशिप, बिकॉज ही इज अननोइंगली, नेचुरली, सबकॉन्शियसली ही शोइंग करेज फॉर दैट हाउस। अब देखिए जब इलेवेंथ हाउस में किसी के सैटर्न है, लगन को दृष्ट करता है तीसरी दृष्टि से, आप ऐसा आदमी देखिए, अब वो ऐसा नहीं है कि वो आदमी झूठ बोलेगा कि अब झूठ बोल के वो कुछ दिखा रहा है, बट उसका पहनावा ऐसा होगा कि आपको लगेगा ही इज़ वेल टू डू, या वो अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। ही वुड ड्राइव, प्रॉब्ली ड्राइव अ बेटर कार देन वॉट ही इज सपोज टू, ही वुड प्रॉब्ली ड्रेस अप इन अ वे दैट यू विल थिंक दैट ही इज डूइंग वेल। योर परसेप्शन वुड बी ऑफ दैट पर्सन फार मोर देन वॉट ही एक्चुअली इज। वो जितना होगा आप उसको उससे कहीं आगे समझ रहे हैं, ठीक। अब आप एक एक करके बोलना स्टार्ट करेंगे आपका सैटर्न कहाँ है और उससे थर्ड हाउस कहाँ है। अब जैसे किसी का सेवन्थ हाउस में सैटर्न है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके फादर ने उसके लिए बहुत कुछ कमाल नहीं भी किया हो, लेकिन वो आदमी हमेशा आपके अपने फादर की तारीफ करता ही मिलेगा। अभी हम ये उस केस में बात कर रहे हैं जब कोई और एस्पेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया तो मॉडिफिकेशन आ जाएगी इस बात में, दोनों बातें होंगी, भाव भी अच्छा है, उतना अच्छा नहीं है जितना आदमी दिखा रहा है वो एक बात है, लेकिन मॉडिफिकेशन आ सकती है। सिर्फ आप इस एक प्रिंसिपल को लेके चलेंगे, आप चार्ट्स में एक्सपीरियंस करेंगे, यू विल सी दिस इज हैपनिंग। ये एक जो प्रेडिक्शन टूल है कि सैटर्न से तीसरा भाव जो है उस भाव के लिए आदमी नेचुरली करेज दिखाता है, लोगों को लगता है कि वो उस एरिया ऑफ लाइफ में ठीक कर रहा है। दुखी आपने, होंगे उस चीज से तभी तो करेज दिखाएंगे, हाँ, तो उस जगह का दुख दिखाता नहीं है आदमी दुनिया को, दुखी पर अंदर से दुखी होगा या पीड़ित होगा किसी नहीं भी होगा, तरह उसको एहसास नहीं है ना उस बात का। आप ये समझिए का। कि उस बात का उसको एहसास ही नहीं है, क्योंकि अगर उसको एहसास होगा खुद, पहले तो वो आदमी खुद फील करेगा तो दुनिया को दिख ही जाएगा, वो उसका ब्लाइंड स्पॉट है, वहां प्रॉब्लम है लेकिन उसको दिखती नहीं। ओके क्योंकि अभी हम ये बात कर रहे हैं कि लोग कैसे परसीव कर रहे हैं आपको। अब नेचुरली किसी को शौक है कि जो अच्छे कपड़े पहनने का, आपका जो पीयर ग्रुप है या ऑफिस में जिस तरह से आप तैयार होकर आते हैं, 10 लोग हैं एक सैलरी पे, उसमें से एक दो लोग हैं जो बहुत अच्छा तैयार होकर आते हैं, पीपल स्टार्ट सेइंग कि यार ये अच्छे परिवार से होगा आदमी, भी बहुत अच्छा तैयार होकर आ रहे हैं, अच्छी गाड़ी में आ रहे हैं, वो हो सकता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उससे कम ही हो, उधार लेके चल रहा हूँ उनका काम। लेकिन बाकी लोगों को लग सकता है कि ओनली फॉर गिविंग एन एग्जाम्पल, ओनली फॉर आर्ग्यूमेंट से, कैसा हो सकता है ये हम मानते हैं कि जब एक ग्रुप में अगर 10 लोग हैं ऑन द सेम सैलरी पैकेज, सम पीपल ड्रेस जस्ट टू वेल एंड पीपल थिंक दैट दे आर प्रॉबली फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, ऐसा हो सकता है। अब ये वेरिएशन कैसे आपको पता लगेगा चार्ट में? अब किसी को नेचुरली अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता है थोड़ा सा हल्का कपड़ा पहन के बाहर निकलने में, आप बोले वो उसका मेंटली वो ऐसा हो गया है आदमी कि उसको एक तरह की चीज़ें पसंद आने लगी है, उसका एक अपना उसका टेस्ट, नेचर हो गया है। हाँ उसका नेचर ऐसा हो गया, आप बोल सकते हैं उसका टेस्ट ऐसा हो गया है, ही इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। कई कोई कुछ लोग होते हैं जो अच्छा कपड़ा पहन के निकलते नहीं है तो उनको कॉन्फिडेंट ही नहीं फील करते, उनको लगता है ऐसा कि कुछ वीक या कमी फील हो रही है उनको अपने अंदर, ऐसा होते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो ये थर्ड कंप्लीट किया हमने, सैटर्न का 10th एस्पेक्ट, राइट। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट क्या है ना, 10th हाउस इज द हाउस ऑफ कर्मा, वी ऑल नो, ड्यूटीज हैं आपकी। सैटर्न जहां होगा उससे 10वें घर में जहां भी दृष्टि आ रही होगी उस घर की जिम्मेदारी आप पे है ही, आप लेके आए हो, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए हो, आप चाहो या ना चाहो उस घर की जिम्मेदारी आप पे है और उस घर के कर्म आपको निभाने ही पड़ेंगे, ये आप लिखवा के लाए हो अपने साथ। और जब भी वेन यू गेट टू अ मच्योर एज अल्टीमेटली यू विल गेट टू नो कि आपको उस घर की जिम्मेदारियां आपको निभानी ही पड़ेंगी जहां से भी सैटर्न, सैटर्न से जो भी 10th हाउस है, और आप उस जगह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, उस घर से जुड़ा हुआ काम जरूर करोगे आप। सैटर्न 9वें घर को जब दृष्ट करता है ना 10वीं दृष्टि से, तो ऐसा आदमी जो है वो हायर विजडम लेता ही लेता है, शास्त्र का ज्ञान लेता ही लेता है,
लेता है कि देता है, मतलब वो लेता गुरु है, होगा लेता तो है। किसी अपना को विजडम नहीं बढ़ाएगा देगा। ना मैम, उससे उस अब उस घर से जुड़े हुए कर्म है उसके, पहले तो विद्या लेगा तभी तो आगे देगा, उस घर से रिलेटेड काम तो करेगा ही, मेरा तो क्लियर हो गया सर, मेरा सर 7th हाउस पे है शनि का, तो उससे जुड़े कर्म है सर आपके, वो आपको निभाने ही पड़ेंगे। हाँ सेवा रियल है, करेक्ट है, तो वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हाँ, सो बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज ऑफ योर वाइफ यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एरिया ऑफ लाइफ, राइट? एंड वी नो दैट। तो ये लगता है।